So, I believe congratulations are in order. क्या बात है, हाँ? आज कोई खिंचाई नहीं, कोई सार्कैज़म नहीं, कुछ ऐसा नहीं, मतलब क्या कुछ वर्ड्स भूल गई क्या? हाँ, congratulations in order. बुरा लगा? नहीं, एक्चुअली अच्छा लगा, लेकिन बहुत अलग लगा. तुम्हें मेरी काबिलियत पे कोई भरोसा नहीं होता ना? Do you know who all had pitched in for this project? The biggest players in the market. And who did the project come to? You. क्या बात है, हाँ? आज तो मेरी सारी बात अच्छी लग रही है. तो कुछ पिटने उठने वाला हूँ तो बता दो भाई. तुम्हारी बातों से ना मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ये जो तुम्हारे दिल और दिमाग की जो हरकतें हैं ना, उनसे दिक्कत थी. अरे एक बार ये असाइनमेंट जरा सक्सेसफुली हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें दिल और दिमाग सबकी हरकतें समझा दूंगा. मुझे क्या समझाओगे? दिस इज योर प्रोजेक्ट, योर असाइनमेंट एंड योर क्लाइंट. You better do it right. बाकी मैं समझ लूंगी. तुम नहीं समझोगी. तुम कभी नहीं समझती. You just go ahead and doubt me. Doubt you? Sweetie, I follow you. See? I've always told you, look closer. पैसों की बात की? सब पैसा, पैसों की बात की. What? हो जाएगी कल, परसों कल हो जाएगी बात. You have put in a lot of your own money into this project. Just be careful is all I'm saying to you. हाँ यार ठीक है. ओके, लेट मी जस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट सक्सेसफुली, उसके बाद मैं तसल्ली से बैठ के तुम्हारी सारी सिनेसिज्म सुनूंगा. ऑलराइट? चैतन्य के सपने और बड़े हो गए. He saw a lot of prosperity ahead of him and bigger dreams ahead of him as well. इन्होंने डिसाइड करा कि ये सारा इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे. And again he set out to set up 3 individual offices for this big MNC giant. This of course involved hiring a lot of talent. कई लोगों को इन्होंने हायर करा. And he claims that he hired top of the notch, top of the line professionals, जिनको इन्होंने काफी अच्छी खासी सैलरी दी. लेकिन यहीं पे चैतन्य अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे. Did I keep you waiting too long? Oh no, it's perfectly fine. Well, आपके सजेशन ऑन द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ आवर फ्रंट ऑफिसेस पढ़े हमने. द बोर्ड फील्स दे आर जस्ट राइट. ओह दैट्स गुड टू नो. शुक्रिया. इनफैक्ट लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक्स अ बिट. यू नो आपके आने की मार्केट में काफ़ी बज है. एक्चुअली मैंने कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स की लिस्ट भी शॉर्ट लिस्ट की है ऑफिस के लिए. एंड दिस इज दैट आई डोंट नीड टू लुक एट इट. आई मीन इट्स योर कॉल. हमें आप पे पूरा विश्वास है.
We also have the market overview for our... Okay. So what do we have here? Well, your optimism is quite compelling. Shall we also discuss the expense list? Of course. We must. Well, abhi tak we've already spent around, net figure of 25 lakhs or another 20 lakhs. And uske maine aapko, all the supportings and bills, I've been sending it religiously to you. I'm aware. And there's another 20 lakhs that is accounted for the projected month. Are you worried? Nahin, bilkul nahin. I mean, please. पर लग तो रहे हैं चिंतित हैंडल कर पाएंगे आप आपको डाउट है क्या वेल अब तक तो नहीं थे और हम आगे होने भी नहीं देंगे इट वॉज जस्ट इन पासिंग दैट्स ऑल हमारे बिजनेस एथिक्स से तुम्हें वाकिफ होना अभी बाकी है बिलीव मी यू विल बी सरप्राइज्ड कॉर्पोरेट इमेज एंड परसेप्शन इज पैरामाउंट हियर लाइक नोवेयर एल्स Passing statements are not what you'll give us, once you know. I'm sorry, आप बस भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, please. भूल गए. ये लो. क्या हो गया यू लुक वरिड मी वरिड यू नॉट सो व्हाट एक्चुअली यू आर वरिड मैं वरिड होने लगा टी शर्ट उल्टी पहन रखी है तुमने इनसाइड आउट स्टाइल है पैसों की बात की यार क्या पैसा पैसा हाँ पैसों की बात की जैसा तुमने कहा था वैसा जाते ही वहां पे उनसे पैसों की बात कर ली एंड And what? And you tell me what? And I tell you what? I landed up being embarrassed. They thought that I'm not capable enough to handle the project. What? Just because you asked for working costs? No, not because I asked for working cost. Because it made me look like a small timer. They are big company, yeah. They deal in big amounts, yeah. Unke liye, I mean, listen, they would not go ahead and put their reputation at stake in the corporate world because of this meager amount. This is a trivial amount for them. Chaitanya, this is a big amount for you. Yeah, okay, this is a big amount for me. But listen, let me just get this right. That's it. Iske baad, I mean, come on, yaar, I can go ahead and make much more. Sky is the limit, yaar. But let me just get this right, please. Oh, yeah, chal. Was not having written documents really such a big issue? Not having a written specific contract governing the relationship, could this really be the epicenter of all of the debt problems that Chaitanya Shetty was facing? Or jo inki wife ke man mein shanka thi, ya jo bhi sankoch tha, was it even justified or valid? This was of course a big MNC company that we are talking about here. So did this MNC giant actually go back on its word? What happened? What happened to Chaitanya's business? Where did things go wrong? Did they even go wrong? We'll tell you more in the second episode. An initiative supported by ARMS, a division of ARSIL. An initiative supported by ARMS, a division of ARSIL. आपने देखा हमारी केस स्टडी जिन्हें हम चैतन्य शेट्टी बुला रहे हैं उन्हें काफी बड़ा मल्टीनेशनल ऑर्डर मिला दिस वाज 2007 थिंग्स वर लुकिंग अप ही वाज फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक दो हिज वाइफ डिड हैव सर्टेन रिजर्वेशंस
but the man was quite confident of what was to come. Things, however, were about to change. मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। Well, आपने एकदम से अचानक बुला लिया। I was actually in the middle of something. In fact, actually कुछ अर्जेंट था इसलिए आपको बुलाया। Why any problem? In fact, there is. What? Any complaints for us or something? क्योंकि I think I've delivered everything on time. In fact, actually, Mr. Shetty, बात कुछ और है। What? आपको तो पता है कि पूरी दुनिया में slump आया है, recession. Well, in fact, India is one of those जो कि किसी तरह बच गई इससे। आपकी बात एकदम सही है मिस्टर शेट्टी, मगर कई मार्केट्स में हमें मेजर सेटबैक्स हुए हैं। इनफैक्ट कई कंट्रीज में हमें मेजर कटडाउन्स करने पड़े हैं और इसीलिए हमें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। Well, that is understandable. I'm sorry to say, पर हमारे मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि इंडिया चैप्टर फिलहाल शेल्फ कर दिया जाए। That is pretty unexpected. In fact, more than unexpected, it is rather surprising. Right now, India is the place to be. I know, but all that will have to wait. Is there a timeline to it or something? Well, how should I say this? Indefinitely. फिलहाल हम ये project close कर चुके हैं. Close कर चुके हैं. But what about so much of manpower, energy, and money which has gone into it? Well, उसके लिए आपको हमारे chief financial officer से meetings करनी पड़ेंगी. अभी तो वो ऑफिस में नहीं है, बट ही विल बी बैक टिल नेक्स्ट वीक। वेल सो नेक्स्ट वीक इट इज देन। मैं शायद इसके बाद आपसे ना मिल पाऊं मिस्टर शेट्टी, बिकॉज आई एम फ्लाइंग बैक टू हेडक्वार्टर्स। ऑल द बेस्ट। प्रोफेशनल सेटबैक्स लाइफ में आते हैं, लेकिन हमने इस इशू पर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया है बिकॉज दिस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन चैतन्य शेट्टीज लाइफ। मल्टीनेशनल कंपनी का ये प्रोजेक्ट वापस लेना ना केवल टर्निंग पॉइंट था इनके प्रोफेशनल लाइफ में, इनकी लोन सिचुएशन में, बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन रहा था इनकी पर्सनल लाइफ में भी। क्या हो गया चैतन्य? What's the matter? I'm done. What do you mean done? Ho kya raha hai? I'm finished. Done. Tumne apne deadlines to meet kiye the na time pe? They're not making any payments. They can't just say goodbye. Not one penny. Yes, finished. Chetana, you know, you have brought this upon yourself. There's nothing else to say. I have brought it up on myself. I wanted this to happen to me. Huh? Yeah, go ahead, rub it on me. That's what you always do. Main yahan tak karz mein duba hua hu. नहीं, आपको अपने ज्ञान की पड़ी है। वाह वाह, दीज गाइस दे जस्ट रैप्ड अप देयर इंडिया बिजनेस, दैट्स इट। वन फाइन डे दे गेट अप, दे रैप अप देयर इंडिया बिजनेस, दैट्स इट। क्यों? मार्केट इज टेकन अ स्लंप, देयर इज अ ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश डाउन। Gone. इतना सब कुछ होने के बाद how can they just leave like that? Well, they have. It's not can. They have. Okay. तुम्हारे सारे payments तो वो clear कर रहे हैं ना? All your bills, all your expenses? यार क्या कह रहा हूँ तब से, not. So, all the offices that have been leased, all the interior work that has been done, all the people whom you have hired. What about all that? उन सब का कौन देखेगा?